सनातन धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है, जिन्हें ज्ञान तप और वैराग्य की देवी कहा जाता है। लोकल 18 से बात करते हुए आचार्य रमाशंकर जी ने बताया कि करुणामयी माँ ब्रह्मचारिणी को माँ पार्वती के अविवाहित स्वरूप में पूजा जाता है। माँ को सफेद वस्त्र रुचिकर है। इनके दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण, जो माता के तप और ध्यान का बोध कराता है। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कड़ी तपस्या की थी, इसी कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। इनके तप और ध्यान को लेकर मान्यता है कि जो भी विद्यार्थी माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करते हैं, उन्हें अवश्य ही लाभदायक फल मिलता है। धर्म ग्रंथों में बताया गया कि देवी पार्वती ने महाराज दक्ष के यहाँ ब्रह्मचारिणी के रूप में जन्म लिया। कुछ वर्षों के बाद भगवान शिव को प्रसन्न करने का संकल्प ठान माता ने ठंड बरसात धूप आंधी तूफान सबको सहन करके हजारों वर्ष तक हर परिस्थिति में घोर तपस्या की। फूल पत्ते बिल्व पत्र खाकर वह लगातार तप करती रही, लेकिन भगवान शिव नहीं माने। तब उन्होंने इनका सेवन भी बंद किया, इसीलिए इन्हें अपर्णा के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए आचार्य रमाशंकर जी से ही जानते हैं माँ के पूजन का महत्व और पूजा विधि। द्वितीय दिन में माँ भगवती का ब्रह्मचारिणी रूप होता है। देखिए, बहुत काल कम उम्र में 8 वर्ष भवेत कन्या, 8 वर्ष के बाद भगवती ने शिव आराधन प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद उन्होंने तप चालू किया। जब गिरिराज की पुत्री तप के प्रभाव में आई तो उन्होंने ब्रह्मचारिणी का रूप धारण किया। बड़ा ही सौम्य स्वरूप, 2 हाथ, साधारण वस्त्र, और साधारण वस्त्र में धोत वस्त्र किसी भी तरह मान लें, वैसे श्वेत ही है। श्वेत में मद भी हो सकता है कलर, और उनके लिए प्रिय है साधारण सा स्वरूप। माला हाथ में और कमंडल धारण किए रहती हैं। रुचिकर उनको एकांत का वास, एकांत में समर्पण, जो आह्लादित करने वाला और हमारे मन में सात्विक गुण को प्रवर्तन करने वाला प्रसाद है, जैसे तिल है, साधारण सा भोज्य है, फल है, सूखे मेवा है, या जो भी वन अन्न के अलावा है जिनसे प्रमाद उत्पन्न नहीं होता, ऐसे पदार्थ भगवती को अर्पण करना ही रुचिकर है। और वैसे ही पुष्प, जैसे मंदार पुष्प हो गया, जैसे हमारे लिए बेला का फूल हो गया जिनकी सुगंध से मन में एक शांति सी आए, या श्वेत पुष्प कोई हो गए, या अपराजिता जिनका वो स्वयं स्वरूप है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी का मतलब है ब्रह्म रूपाय वै देवः, ब्रह्म रूपाय शक्तितः, निर्गुणम निर्विकारः च निराकारः स्वरूपतः। आपका अद्वैत रूप है माँ, आप का जो नवारण मंत्र है वो 9 गुणों से युक्त है, आप उसके द्वारा ओंकार में आप प्रतिष्ठित है, इसलिए ओंकार स्वरूप में ओंकाराय ओम ब्रह्मचारिणी नमः ऐसा कहकर साधारण शब्दों में आवाहन करें।